हेलो एवरीवन, मैं श्याम शर्मा परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम मैथ्स का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक क्यूब और क्यूब रूट डिस्कस करने वाले हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में हम स्क्वायर स्क्वायर रूट्स के बारे में जान चुके हैं, और जिन लोगों ने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट से उस वीडियो को देखिए। उसके अंदर मैंने स्क्वायर की कुछ बेसिक्स बताई है, कुछ ट्रिक्स बताई है, तो वो आपके एग्जाम में हेल्पफुल रहेगी। आइए अब हम शुरू करते हैं क्यूब। अब क्यूब समझते हैं, क्यूब क्या होते हैं। क्यूब या जिसे हिंदी में घन कहा जाता है, जब हम किसी नंबर का, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लूँ कि मुझे 2 का क्यूब फाइंड करना है, किसी नंबर का या किसी संख्या का अगर मैं उसी संख्या से 3 बार मल्टीप्लिकेशन करूँ, 2 का मतलब उसी संख्या का मैं उसी संख्या से 3 बार अगर मल्टीप्लिकेशन करूँगा, तो जो गुणनफल प्राप्त होगा, जो प्रोडक्ट आएगा, वही इसका क्या कहलाएगा, क्यूब कहलाएगा। इसे हम इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं कि 2 का क्यूब अगर हमें निकालना है तो हम 2 के स्क्वायर के अंदर, जो 2 का स्क्वायर है उसके अंदर हम उसी नंबर का फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब भी हमारा जो आंसर आएगा वो सेम होगा। तो देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। 4 को अगर मैं फिर से 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 4 × 2 = 8, 4 × 2 = 8 होता है। देखिए आंसर सेम आया। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, अगर हमको किसी नंबर का स्क्वायर पता है तो हम उस नंबर में एक और बार मल्टीप्लाई करके उसका क्यूब निकाल सकते हैं। आइए अब हम इसकी शॉर्ट मेथड पढ़ते हैं कि शॉर्ट मेथड हमारे एग्जाम्स के अंदर हम किस मेथड का अप्रोच करें और क्यूब को जल्दी फाइंड करें। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर स्क्वायर की कुछ मेथड्स बताई थी बेसिक, वैसे ही मैं डायरेक्ट इसके अंदर उस बेसिस पे नहीं जाते हुए क्या करेंगे, हम डायरेक्ट मैं आपको कैलकुलेशन मेथड बताता हूँ क्यूब की, कि हम क्यूब को फास्ट कैलकुलेट किस प्रकार से करेंगे। तो जिस प्रकार से मैंने स्क्वायर में एक आपको फार्मूला बताया था a + b का होल स्क्वायर, उसी प्रकार से हमें यहाँ पर क्या निकालना है, क्यूब फाइंड करना है। तो क्यूब a + b का होल क्यूब, हमें ये फार्मूला याद रखना है। a + b का होल क्यूब क्या होता है, इस प्रकार के जितने भी फॉर्मूले हैं बेसिक फॉर्मूले, आपको वो सारे फॉर्मूले याद होना चाहिए। ये सारे फॉर्मूले एग्जाम्स के अंदर आपको बहुत काम आएंगे। तो a + b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + 3a² b + 3ab² + bq। a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला हो गया, और यही जो फॉर्मूला है इसी बेसिस पे हम क्या करेंगे, इसी से हम हमारी मेथड को बनाएंगे। अब देखिए इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं कि a³ + यहाँ पर लिखता हूँ मैं a² b + ab² + bq। अब इसके नीचे लिखेंगे हम a³ को एज इट इज रखेंगे, और जो हमारा 3a² था उसको हम क्या करेंगे, हमने इसको ब्रेक कर लिया किसके अंदर, 2a² b + a² b के अंदर। तो जब मैं इनको ऐड करूँगा तो 3a² b आ जाएगा। इसी प्रकार से हम b को भी स्प्लिट कर लेंगे, तो a² b हो गया, तो बचा कितना, 2² b। तो यहाँ पर इसी के नीचे लिखेंगे हम 2² b + 2ab² बस। यही हमारी मेथड है, इसी फॉर्मूले का, इसी पैटर्न में इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। इसी पैटर्न को आपको याद रखना है, इसी पैटर्न पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पर क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स का क्यूब देख लेते हैं। तो आइए 1 का क्यूब 1 ही होगा, 1 का मैं कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर दूं तो 1 ही आएगा। 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होगा, 4 का क्यूब 64 होगा, इसका स्क्वायर कितना था, 4 का 16 के अंदर फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 4 का तो 64 आएगा, 5 का 125, 6 का क्यूब होता है 216, 7 का क्यूब होता है 343, 8 का क्यूब होता है 512, 9 का क्यूब होता है 729, और 10 का क्यूब होगा 1000। तो इस प्रकार से आपको 1 से 10 तक क्यूब्स भी याद होना चाहिए। मैंने स्क्वायर में बताया था कि आपको 1 से 20 तक स्क्वायर और 1 से 10 तक आपको क्यूब याद होना चाहिए। इन क्यूब्स की हेल्प से हम क्वेश्चंस को देखेंगे।
आइए हम थोड़ा इजी क्वेश्चन लेते हैं पहले। मान लीजिए हमें क्या निकालना है, 11 का क्यूब फाइंड करना है। 11 का क्यूब फाइंड करना है, तो जिस प्रकार से हमने स्क्वायर के अंदर इस नंबर को ए और बी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया था, उसी प्रकार से इस नंबर को भी हम इस फॉर्मूले में फीड करेंगे। ए की वैल्यू 1 हो गई, बी की वैल्यू भी 1 हो गई, क्योंकि 11 है तो दोनों की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब इसे हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो देखिए मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि ए और बी हो गया, तो आपको क्या करना है, ए स्क्वायर बी और ए बी स्क्वायर यहीं पर कैलकुलेट कर लेना है। तो ए स्क्वायर होगा तो 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1, तो कितना आया 1। फिर ए बी स्क्वायर, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर ए स्क्वायर बी और ए बी स्क्वायर 1 आ गया। आइए अब इसे हम फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा ए स्क्वायर बी है, ए स्क्वायर बी है और यहाँ पर भी ए स्क्वायर बी है, बट डिफरेंस क्या है, जो ऊपर नंबर आएगा उसका हम क्या कर देंगे, सिर्फ ट्वाइस कर देंगे। तो ए क्यूब कितना हो गया, मीन्स 1 का क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी कितना आया 1, प्लस ए बी स्क्वायर कितना आया 1, प्लस 1 का क्यूब कितना होगा 1। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इसे 1। यहां तक चीजें समझ में आई। अब जो हमारा ए स्क्वायर बी है, ए स्क्वायर बी कितना आया 1 और ए बी स्क्वायर भी 1 आया, उसका क्या करना है, ट्वाइस करना है। तो ये वाले जो दो प्लेस है हमारी, इसका जो प्रोडक्ट आएगा यहां पर उसका ट्वाइस करके हमें नीचे लिखना है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मीन्स 2 1 2, यहां पर भी 2 आ जाएगा और एज इट इज इसे रहने देना है। 1 का 1 अब इन्हें ऐड कर देना है, तो 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 2 3 और 1 की वैल्यू 1। तो इसका आंसर क्या आया, तो जब हम 11 का क्यूब करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1331। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं इस मेथड का यूज करके। एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल के लिए लेते हैं हम, मान लीजिए हमें 25 का क्यूब निकालना है, 25 का क्यूब निकालना है। तो इससे पहले हम हमारा फॉर्मूला एक बार फिर से लिख लेते हैं। क्या फॉर्मूला है, ए क्यूब ए स्क्वायर बी ए बी स्क्वायर और बी क्यूब, फिर इनके नीचे आएगा इनका ट्वाइस, तो 2 ए स्क्वायर बी 2 ए बी स्क्वायर और फिर बाद में इन्हें ऐड कर देना है। ये हमारा ट्रिक है या मेथड। तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी हो गई 2, बी की वैल्यू हो गई 5, तो ए क्यूब इक्वल्स टू कितना होता है, 2 का क्यूब 8, तो ये 8 लिखा मैंने। बी का क्यूब, तो बी क्यूब कितना है, 5 का क्यूब 125, तो 125। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, सारी कैलकुलेशंस को हम यहीं पर लिख लेते हैं पहले। ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी करना है, तो ए की वैल्यू 2, मतलब 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बी 5, कितना आया 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू 20। ये हमारी ए स्क्वायर बी की वैल्यू आ गई। अब ए बी स्क्वायर की वैल्यू देखते हैं हम, तो ए बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय किसका 5 का स्क्वायर बी का स्क्वायर, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 2 50, ये हमारी ए बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब इन वैल्यूज को हम क्या करते हैं, हमारी मेथड में पुट करते हैं। तो ए का क्यूब कितना 8, फिर ए स्क्वायर बी 20 20, ए बी स्क्वायर 50 50 लिखा, फिर बी क्यूब कितना आया, बी क्यूब 125, तो 125। इसके बाद में क्या कहा था मैंने, कि ये जो हमारी ये वाली जो प्लेस है दोनों की, इनका क्या करना है, ट्वाइस करना है। तो 20 आया, 20 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो कितना आ गया 40, 50 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 100। अब उसके बाद में क्या करेंगे, फिर हमें इन्हें ऐड कर देना है, तो 125 का क्या आ जाएगा 5, अभी 125 लिख लीजिए, 125 का 125, इन्हें ऐड करते हैं तो 150, इन्हें ऐड करेंगे तो 60, इन्हें ऐड करेंगे तो 8। अब ये हमारा इनको एडिशन करने पर आ गया। अब जिस प्रकार से हमने स्क्वायर के अंदर देखा था कि हम क्या रखेंगे, यहाँ पर यूनिट प्लेस रखेंगे, तो यूनिट नंबर रखेंगे सिर्फ इसका, तो यूनिट नंबर क्या है 5, तो 5 को रखा, 12 को क्या कर दिया, कैरी फॉरवर्ड कर दिया, तो प्लस 12 हो जाएगा यहाँ पर, तो कितना आ गया
162, यहाँ से 2 को रखा, 16 कैरी फॉरवर्ड हो गया, कैरी चले गया तो 0, 776 यहाँ से हमने रखा 6 को, और फिर 7 क्या चले जाएगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो कितना आया 15, तो ये 15 का 15, तो हमारा आंसर क्या आया, तो 25 का क्यूब कितना होगा, 15625। तो इस प्रकार से आपको ये मेथड समझ में आई होगी। यहाँ पर हमने बहुत स्लो और बहुत धीरे धीरे कैलकुलेशंस की है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके और आपको ये चीज़ क्लियर हो कि हमें किस वैल्यू को कहाँ पर पुट करना है। तो यहाँ पर आपको ऐड करने के बाद में इम्पॉर्टेंट चीज़ ये याद रखना है कि क्या होगा, जो एडिशन करने के बाद में जो वैल्यू आई है उनका यूनिट डिजिट रखना है और जो नंबर है उसे कैरी फॉरवर्ड करना है, फिर जो आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट रखना है और नंबर को कैरी फॉरवर्ड करना है। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, आंसर निकाल लेंगे। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए 63 का क्यूब निकालना है, 63 में ए हो गया 6, डायरेक्ट लिखते हैं ए का क्यूब कितना है, 216। बी का क्यूब, बी की वैल्यू 3, 3 का क्यूब कितना है, 27। फिर क्या करते हैं हम, ए स्क्वायर बी, तो ए स्क्वायर बी कितना हो जाएगा, तो ए की वैल्यू हमारी 6 है, बी की वैल्यू 3 है, तो ए स्क्वायर मतलब 36 मल्टीप्लाई बाय 3 और ए बी स्क्वायर इट मींस 6 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 6 3 18 कैरी 1, 3 3 9 + 1 0, मतलब 108 आ गया। यहाँ पर क्या हो जाएगी वैल्यू, 6 मल्टीप्लाई बाय 9 नौछंकी 54, ये आ गई। अब इसको क्वेश्चन में पुट करते हैं, तो 216 ए क्यूब की वैल्यू, फिर ए स्क्वायर बी की वैल्यू कितनी है, 108, ए बी स्क्वायर की वैल्यू 54, और उसके बाद में बी क्यूब की वैल्यू 27। अब फिर क्या करना है, ये जो हमारी बीच वाली जो टर्म आई है ए स्क्वायर बी और ए बी स्क्वायर, इनको क्या करना है, हमें ट्वाइस करना है, तो 108 का क्या कर देंगे हम, ट्वाइस कर देंगे, तो 8 2 16, एक कैरी गया 1 आ गया, 2 1 2 कितना आ गया, 216, और 54 में गुणा करेंगे 2 का, तो 4 2 8 5 2 10 तो कितना आ गया ये 108। अब इसके बाद क्या करते हैं हम, ऐड करते हैं, 27 का 27 एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पर ऐड करो 8 और 4 12, एक कैरी 5 और 0 5 और 1 6 162, 8 और 6 14, 1 1 और 0 1 +1 2, 2 + 1 3 और 216 का 216। फिर यहाँ से हम क्या करते हैं, यूनिट डिजिट, यहाँ से आपको याद रखना है कि यहाँ से हम क्या करेंगे, नंबर का यूनिट डिजिट तो रखेंगे और एक्स्ट्रा नंबर को हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। तो यहाँ से आ गया 7, 2 कैरी फॉरवर्ड हो गया, तो 2 इसके अंदर प्लस हुआ तो कितना हो गया 164, 164 से 4 आया, 16 कैरी फॉरवर्ड हो गया तो +16, 6 और 4 10, 1 2 और 1 3 और 1 4, 340 का 0 और 34 कैरी फॉरवर्ड हो गया, कितना हो गया 6 और 4 10, 0 1 3 और 2 5 और 2 250, तो कितना आ गया 250047, 250047। तो इस प्रकार से हमारा किसका आंसर आ गया, ये कि 63 का हम क्यूब अगर करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 250047। इस प्रकार से क्या करेंगे हम, इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो और ज़्यादा आप इफ़िशिएंट होते जाएंगे और ये आप इसे, इस फॉर्मूले की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी बार बार लिखने की, पर जब भी आप प्रैक्टिस करें तो इस फॉर्मूले का हमेशा लिखें, तो ये आपके माइंड में सेट हो जाएगा। आइए कुछ और थोड़े बड़े नंबर्स के क्वेश्चन देखते हैं हम। मान लीजिए 96 का क्यूब निकालना है, तो 96 में ए की वैल्यू तो हो गई 9, बी की वैल्यू हो गई 6, ए क्यूब इक्वल्स टू हमें याद होना चाहिए कितना होता है, 9 का क्यूब 729, फिर बी का क्यूब 6 क्यूब इक्वल्स टू 216, फिर ए स्क्वायर बी कैलकुलेट करते हैं हम, तो ए स्क्वायर बी तो कितना हो जाएगा,
9 का स्क्वायर 81 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 6 कम 6 8 छंग 48, तो आ जाएगा 486। फिर ए बी स्क्वायर देखेंगे, तो ए बी स्क्वायर क्या होगा, 6 का स्क्वायर 36 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 छंग की 54, 5 नौतिया 27, 27 और 5 कितना हो जाएगा 7 5 12 1 324। ये हमारा बेसिक जो हमको निकालना था हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। अब फिर से फॉर्मूले में पुट करेंगे 729, फिर 486, फिर 324 और फिर 216। इसके बाद क्या करेंगे हम, ये जो हमारी मिडिल टर्म्स है इनका ट्वाइस करेंगे, तो 482 का अगर हम ट्वाइस, 486 का अगर हम ट्वाइस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 दुनी 12, 1 कैरी 8 दुनी 16 और 1 17, 1 कैरी 4 दुनी 8 और 1 9, कितना आया 972। फिर यहाँ पर इसका फिर से ट्वाइस करेंगे, 324 का 4 दुनी 8, 2 दुनी 4, 3 दुनी 6, 648। अब क्या करते हैं, इसको ऐड कर देते हैं, ऐड करेंगे तो यहाँ से देखिए कितना आ गया 6, 216, इनको ऐड किया 8 और 4 12, 4 और 2 6 और 1 7, 6 और 3 9, 6 और 2 8, 8 और 7 15, 9 और 1 10 और 4 14 और कितना आ गया 729। अब फिर क्या करते हैं हम, यहाँ पर यूनिट डिजिट लेंगे, 6, 21 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, कितना आएगा 3, 9, 9, यहाँ से 3 लेंगे 99 कैरी फॉरवर्ड, 9 और 8 17, 15, 1, 5, 1, कितना आया 7 यूनिट डिजिट और 155 को कैरी फॉरवर्ड कर दिया, 9 और 5 14, 5 और 2 7 और 1 8, 7 और 1 8, क्या आई हमारी वैल्यू 88473 6, हमारी वैल्यू आ गई 88473 6, तो इस प्रकार से क्या हो गया 96 का क्यूब, तो ये हमारा 96 का क्यूब होगा। तो इस मेथड से बड़े नंबर का इजीली और जल्दी इफिशियंट तरीके से और बहुत फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं और इससे आपके एग्जाम्स के अंदर टाइम सेव होगा और हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे। आइए अब क्यूब देखते हैं, क्यूब रूट किस प्रकार से हम निकालेंगे। क्यूब देखने के बाद अब क्यूब रूट देखते हैं। क्यूब रूट देखने से पहले मैंने आपको बताया था कि 1 से लेकर 10 तक के नंबर के क्या करेंगे हम, क्यूब। तो मैंने यहाँ पर 1 से लेकर 20 तक के नंबर के क्यूब लिख दिए हैं, पर हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है हमारा, कि जो मैंने बताया था आपको कि याद होना चाहिए 1 से लेकर 10 तक, तो हम इन्हें देखते हैं। जिस प्रकार से हमने स्क्वायर रूट के अंदर देखा था कि जब हम किसी नंबर का क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालना है उसका, तो उसका हम क्या देखते हैं, यूनिट डिजिट देखा था हमने, जो हमारा क्वेश्चन होगा उसका यूनिट डिजिट देखा था। मान लीजिए कि हमारा कोई क्वेश्चन दिया हुआ है 2744, इसका हमें क्यूब रूट निकालना है, तो इसका क्या करेंगे हम, यूनिट डिजिट देखेंगे। कि जैसे हमने स्क्वायर में देखा कि कौन सा ऐसा नंबर होगा कि उसका मैं स्क्वायर करूंगा तब मुझे उस जो आंसर आएगा उसके यूनिट डिजिट पर 4 मिलेगा, तो वहां पर दो दो के पेयर हो रहे थे। बट यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि जब हम क्यूब में देखेंगे तो हर पर्टिकुलर नंबर का एक होगा, यूनिट डिजिट स्पेसिफिक होगा, यहाँ पर कॉमन नहीं होगा, तो ये ज्यादा इजी होगा कैलकुलेट करने के हिसाब से। जैसे 1 का देखेंगे तो 1 आएगा, 2 का यूनिट डिजिट 8 आएगा, 3 का यूनिट डिजिट 7 आएगा, 4 का 4 ही आएगा, 5 का 5, 6 का 6 ही रहेगा, 7 का 3 हो जाएगा, 8 का 2। तो देखेंगे हम यहाँ पर कि कोई भी चीज हमें कॉमन नहीं दिख रही है कि एक यूनिट डिजिट दो नंबर का आ रहा है, तो ये ज्यादा इजी मेथड होगी। या हम ऐसा कह सकते हैं कि क्यूब रूट स्क्वायर रूट से ज्यादा इजी है कैलकुलेट करना, कि बट उसमें ये चीज है कि बस आपको क्या होना चाहिए, क्यूब याद होना चाहिए। अब जैसे इसका देखते हैं हम, तो इसका हम अगर पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाले, प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालते तो क्या आएगा इसका, 2744 ये नंबर है हमारे पास। अब इसके अंदर हम प्राइम फैक्टर करते, तो 2 से क्या, 2 वन 2, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 7 14, 2 2 4, 2 छंग की 12, 2 8 16, 2 छंग की 12, 2 3 6, 2 4 8, 2 3 6,
अब सात से जाएगा ये, सात चौक 28, सात नाम 63, फिर सात से साथी साथी 49, फिर सात एकम 7। तो यहाँ पर ये हमारे प्राइम फैक्टर हो गए इसके। बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब जो हमको पेयरिंग करना है, जो इनके जोड़े बनाना है, वो किसकी होगी, तीन तीन की होगी, कि तीन तीन प्राइम नंबर जो हमारे होंगे उसकी पेयरिंग होगी। तो ये तीन टू और ये तीन बाद वाले सात, तो इनकी पेयरिंग हो जाएगी। तो यहाँ से 7 बाहर आएगा, यहाँ से 2 बाहर आएगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल्स टू कितना हो गया, 14। तो मतलब कि जो नंबर है हमारा, एक इसका है 14 का क्यूब है। तो ये तो प्राइम फैक्टर वाली हो गई कि इसके अंदर क्या करेंगे, हम तीन तीन की पेयरिंग करेंगे। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है इसके अंदर कि पेयरिंग कितने नंबर की करेंगे। जैसे स्क्वायर के अंदर हमने करा था, स्क्वायर के अंदर किस किस की दो दो नंबर की पेयरिंग की थी। अब इसको देखते हैं हम दूसरी मेथड इसकी, अब इसकी मेथड देखते हैं कि जो हमको एग्जाम में यूज़ करना है। ये हमारा क्वेश्चन है कि हमें इसका क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। तो क्या किया, क्या बताया मैंने कि पेयरिंग कितने की करेंगे, तीन नंबर की पेयरिंग करेंगे। तो पीछे से हमने तीन नंबर की पेयरिंग की, तो 744 एक पेयर हो गया, आगे बचा 2। तो अब देखेंगे जो 2 है ये किस किस के नंबर के क्यूब के बीच में आ रहा है। तो किस में आ रहा है, किसी में भी नहीं आ रहा है, तो मतलब 1 का क्यूब और 8 इन दोनों के बीच में आ रहा है, 1 और 2 के बीच में। अब हम हमारी जो मेन मेथड हमको यूज करना है वो वाली मेथड देखते हैं। मान लीजिए इसी को क्वेश्चन मान लेते हैं हम, कि ये क्वेश्चन हो गया। अब इसमें पेयरिंग क्या करना है, जो अभी हमने प्राइम फैक्टर में देखे कि पेयरिंग कितने नंबर की करना है, तीन नंबर की करना है। तो पीछे से जैसे स्क्वायर में पीछे से हमने दो दो के पेयर बनाए थे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम तीन नंबर के पेयर बनाएंगे। तो ये पीछे के तीन नंबर क्या हो गए, इसके पेयर हो गए, और ये आगे का 2 बचा। तो 744 पूरा एक पेयर हो गया, फिर 2 जो एक्स्ट्रा जो नंबर बचा हमारा उसको एज इट इज रहने देंगे। अब इस 2 को हम इस 4 को चेक करेंगे, यूनिट डिजिट चेक करना है हमको कि यूनिट डिजिट क्या होगा। जैसे हमने स्क्वायर में देखा था कि ऐसा कौन सा नंबर है कि जो जिसका मैं स्क्वायर करूंगा तो यूनिट डिजिट 4 आएगा, तो ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसका मैं क्यूब करूंगा तो उसका यूनिट डिजिट 4 आना चाहिए। तो 4 आना चाहिए, तो 4 किसका आएगा, देखिए 4 का क्यूब कितना हो रहा है, 64। 4 का क्यूब 64, और दूसरा कोई नंबर तो है नहीं जिसका यूनिट डिजिट में अगर क्यूब करूंगा तो 4 आएगा। तो स्पेसिफिक हो गया कि हमारा क्या होगा, जो नंबर होगा वो 4 होगा। तो मैंने पीछे लिख दिया यहां पर कि इस नंबर का यूनिट डिजिट तो 4 होगा। अब 2 को चेक करना है कि 2 किस किस के बीच में आ रहा है, तो 2 किस किस के बीच में आएगा, 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8। तो 1 और 8 के बीच में 2 आ रहा है, तो मतलब हम क्या करते हैं, छोटा वाला नंबर लेते हैं। तो छोटा वाला नंबर क्या है हमारा, 1 क्यूब। तो हम क्या लेंगे, 1 लेंगे, ये 14। तो देखिए हमारा आंसर एक बार में आ गया। स्क्वायर में क्या हो रहा था कि हमारे पास दो आंसर मिल रहे थे, उनके अंदर से फिर हमें कंफर्म करना होता था कि कौन सा आंसर होगा। बट जो क्यूब वाला फॉर्मेट है उसके अंदर क्या होगा, डायरेक्ट आपको एक ही आंसर मिल जाएगा और आप इजीली इसको कैलकुलेट कर लेंगे। और एग्जांपल देखते हैं, फॉर एग्जांपल हमने ले लिया 3375, इस नंबर का हमें क्यूब निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। क्या करेंगे बेसिक, पीछे सिंपल 3 का पेयर बनाया, यूनिट डिजिट चेक करेंगे। देखो स्टेप क्या होगी, फर्स्ट पेयरिंग, दूसरी स्टेप यूनिट डिजिट, फिर तीसरी स्टेप क्या होगी हमारी कि हम क्या करेंगे, उसका क्यूब चेक करेंगे, क्यूब वाला नंबर कौन सा, स्मॉलेस्ट, छोटा वाला नंबर लेंगे। क्योंकि तो यहां पर पेयरिंग की हमने 375, अब 375 में 5 है यूनिट डिजिट, पेयरिंग हो गई कंप्लीट हो गया। सेकंड चीज यूनिट डिजिट 5 है, तो 5 देखेंगे यहां पर कि 5 किस पे आ रहा है, तो 5 का क्यूब में 5 आ रहा है। और कोई सा नंबर है कि जो 5 दे रहा है, और कोई सा नंबर नहीं है, तो क्या होगा, 5 होगा उसका यूनिट डिजिट पे। तो 5 लिखा हमने उसका यूनिट डिजिट। अब 3 बचा, तो 3 किस किस के बीच में आएगा, तो जैसे 2 आया था किस किस के बीच में, 1 के क्यूब के बीच में 1 और 2 का क्यूब 8, तो इसके बीच में कहीं आ रहा होगा 5। तो 5 आ रहा है, तो हम क्या करते, छोटा वाला नंबर लेते। तो क्या लिया मैंने, 5, तो 1 लिया, तो मतलब 15 हमारा आंसर हो गया। तो ये इसका आंसर 15 होगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे 6859, इसका हमें क्यूब रूट निकालना। देखो अंडर रूट के अंदर जब उसकी पावर 3 लिखी हुई, तो ये क्यूब रूट है, और सिंपल अगर रूट लिखा हुआ है तो मतलब क्या है, ये स्क्वायर रूट है। ये चीज़ डिफरेंशिएट
होना चाहिए, ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए कि इसके करणी की घात कितनी लिखी हुई है, 3 लिखी हुई है। तब हम क्या निकाल रहे हैं, क्यूब रूट या उसका घनमूल निकाल रहे हैं, है ना, क्या निकाल रहे हैं, घनमूल, ठीक है। तो क्या किया, पेयरिंग करेंगे तीनों की, पेयरिंग 859, यूनिट डिजिट चेक किया 9 आ रहा है, तो 9 किस में आ रहा है, देखो 9 आ रहा है, 9 का क्यूब 9, तो यूनिट डिजिट क्या होगा इसका, 9 होगा। फिर 6 देखेंगे कि 6 किस किस के बीच में आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, तो 6 देखेंगे तो 6 किस किस के बीच में आएगा, वही चीज 1 और 8 के बीच में, छोटा वाला लेंगे हम तो क्या हो जाएगा हमारी वैल्यू 19। तो अभी हमने क्या लिया, सिर्फ 11 से 20 के अंदर, देखो 19 का 11 एग्जाम्पल है ना, हमने इसी के अंदर से एग्जाम्पल उठाए, क्यों, क्योंकि अभी हम समझ रहे हैं कि इस मेथड को हम कैसे अप्लाई करेंगे और फिर इसको बड़े नंबर पे हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, हम कोई बड़ा नंबर लेते हैं जैसे 4, 6, 6, 5, 6, इसका हमें निकालना है क्यूब रूट। सिलेक्ट करेंगे, पीछे से 3 पेयर बनाया, यूनिट डिजिट क्या है, 6 है, तो 6 किस किस के बीच में आता है, या 6 किसका यूनिट डिजिट है, तो 6 का क्यूब कितना होता है, 6 ही आता है, 6 लेंगे, इसका यूनिट डिजिट हो गया 6, मतलब 6 उस नंबर का यूनिट डिजिट होगा, तो क्यूब करने पर 6 मिलेगा। अब क्या बचा, 46। अभी यहाँ पर क्या बच रहा था, सिंबल एक एक डिजिट बच रहा था, अब यहाँ पर क्या बचा, 2 डिजिट नंबर 46। तो 46 अब देखेंगे कि कौन से नंबर के क्यूब के बीच में आता है, तो 46 किस किस के बीच में आएगा, तो देखो 3 का क्यूब 27 होता है और 4 का क्यूब 64 होता है, तो 27 और 64 के बीच में कहीं आएगा, 46, मतलब किस किस के बीच में, 27 और 64 के बीच में आएगा कहीं पर, 46। कौन सा नंबर लेते हम, छोटा वाला, तो छोटा वाला नंबर लेंगे तो क्या होगा, कौन सा नंबर है छोटा, 3, तो ये आ गया 3, तो ये 36 का क्या होगा, क्यूब होगा, कि 36 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, 4, 6, 5, 6 आएगा। और दूसरा नंबर लेते हैं हम, तो हो जाएगा 8, 8, 4, 7, 3, 6, इसका क्यूब निकालना है। क्या किया इसमें, पेयरिंग पीछे से 3 की, यूनिट डिजिट देखेंगे, यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, 6 कौन देता है, 6 देता है कि 6 का क्यूब करते हैं तो पीछे से 6 ही आता है, उस नंबर का यूनिट डिजिट 6 हो गया। अब आगे का जो नंबर बचा, ये भी 3 डिजिट नंबर आया, तो 3 डिजिट नंबर आया, तो अब देखो 3 डिजिट नंबर किस किस के बीच में आएगा, तो इसीलिए मैंने बोला था क्योंकि यहाँ पर क्या होंगे, बड़े बड़े नंबर आएंगे, अब तो बड़े बड़े नंबर आएंगे, तो यहाँ पर जब क्यूब करेंगे तो हमको वो नंबर स्क्वायर से ज़्यादा बड़ा प्रोडक्ट मिलेगा उसका। तो देखो 9 का क्यूब कितना होता है, 729, और 10 का क्यूब कितना होता है, 1000, तो 729 और 1000 के बीच में 884 आएगा, तो हम कौन सा नंबर लेंगे, 729 वाला, मतलब 9 का क्यूब 9 लेंगे, तो छोटा वाला नंबर 9, तो 96 हमारा आंसर 96 होगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, यहां तक आपको क्या करना है, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस में क्या करेंगे, 1 से 100 तक जितने भी यूनिट डिजिट है, मतलब 2 डिजिट नंबर है, उनको आप रेंडमली सिलेक्ट कीजिए और उसका सॉल्यूशन निकालिए। या तो आपने जैसे क्यूब फाइंड कर लिया, तो क्यूब फाइंड कर लिया तो उसका फिर से क्या करेंगे, रैंडमली क्लिक उठाइए उस नंबर को और उसका क्या निकाल दीजिए, क्यूब रूट निकाल लीजिए। तो इस प्रकार से आपकी खुद ही खुद ब खुद प्रैक्टिस हो जाएगी। इस वाले नंबर में भी 3 का पेयरिंग की हमने, 4 आया, 4 किस पे दे रहा है, 4 हमें दे रहा है 4, यूनिट डिजिट 4 हो गया, तो 2985 किस किस के बीच में आ रहा है, तो 2985 देखो किस किस के बीच में आ रहा है, 2985, तो 14 का स्क्वायर 2744, मतलब 2744, और 15 का क्यूब कितना हो गया, 3375, इन दोनों के बीच में आ रहा है, छोटा वाला लेंगे तो कितना हो गया, 14, मतलब हमारा आंसर कितना होगा, 144 का अगर हम क्यूब करेंगे तो हमें ये संख्या मिलेगी। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस कीजिए और बड़े बड़े नंबर की। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आप वो सॉल्व कीजिए और उनके आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। 39304 क्यूब रूट ऑफ 79504 क्यूब रूट ऑफ 195112 क्यूब रूट ऑफ 704969 फिर क्यूब रूट ऑफ 4913000 और क्यूब रूट ऑफ 379
6416 क्यूब रूट ऑफ 2000 376 और 7880599। इन क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, जिससे मुझे भी पता चलेगा कि आप मेरे साथ में क्वेश्चंस के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। हमारा क्यूब रूट यहाँ पर ख़त्म होता है, और ऐसी और वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। अब आने वाले वीडियोस के अंदर हमने अभी तक जो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट सीखा है, जो बेसिक हमने सीखा है, अब इनको हम क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करेंगे, हम अगला जो लेक्चर होगा हमारा उसके अंदर हम इन दोनों प्रिंसिपल पे इन दोनों के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कि जो हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम के अंदर कि उनके अंदर हम इन मेथड को कैसे अप्लाई करें और कैसे उनको सॉल्व करें। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, मेरे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। हमें कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, ऐसी और वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए एमपी परीक्षा चैनल को, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी डाउनलोड करें परीक्षा ऐप।